अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्या आप लोगों की मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक जी सर, आ रही है। है। आज भी कम लोग क्यों हैं इस कोर्स में? अभी तक कल भी कम लोग थे और सर आज भी। पता नहीं सर, तो आप लोगों का कोई ग्रुप नहीं बना हुआ जिसमें सवालों पर डिस्कशन होती हो आप लोगों की? सर जिसका दिल हो तो ले लेता क्लास को। अच्छा, जिसका दिल नहीं होता वो नहीं लेता है। अच्छा, जी सर नहीं वे हम किसी का ज्यादा वेट तो नहीं कर सकते, तो बस यही है कि जो लोग आ जाएंगे तो हम लोग तो कोर्स को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था उसके में उसको अगर आप थोड़ा सा समराइज करें तो। अच्छा, ये हमने मैं हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। ये सर हो गया तो ये अच्छा, बाकी तो वो पॉइंट सिंपल है। तो सेकंड इन्होंने लिखा था अपेरेंट सिंपलिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसेप्टिव, व्हाट इट्स मीन? सर नहीं पता। तो कुछ याद नहीं है कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें क्या मीनिंग है? सर हमने कल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। नहीं, ये स्लाइड हमने कवर कर ली थी ना कल। सर कर ली थी कल कर अच्छा चले, एनीवे कोई और मारूफ आप बताएं। सर, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही सेकंड सेंटेंस की। अच्छा, कल थी आप क्लास में या कल ऑफ ऑफ पे थी आप? नहीं, सर मैंने कल क्लास ली थी लेकिन मुझे ना इसकी समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, चले एनीवे फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हमने ये ठीक है सर, चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, एनी वे द अपेरेंट सिंपलिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसेप्टिव, तो इस मीन्स के जो कम्युनिकेशन है वो इतना सिंपल नहीं है, बल्कि इसमें आप मल्टीपल स्किल्स आप यूज कर रहे होते हैं। वो स्किल्स कौन सी हैं ये आपके नेक्स्ट अगर आप पॉइंट में देखें तो वो पॉइंट्स वहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। सो विच इंक्लूड सिमेंटिक स्किल्स, योर लिंग्विस्टिक, रिटोरिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इवन द कंप्यूटर साइंस। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर, ये क्लियर है थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड तो समझ में आ गया ना, जिसमें जस्ट वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है तो दैट्स नॉट दैट सिंपल, बट एक्चुअली इट्स रिक्वायर मल्टीपल स्किल्स, जिसमें फिर आगे इन्होंने नेक्स्ट लाइन में सिमेंटिक, लिंग्विस्टिक, रिटोरिक और ये सारी चौन बताई है। तो सिमेंटिक क्या होती है? व्हाट मींस बाय सिमेंटिक? जिसकी ना आप बताएं। उसामा सर, सिमेंटिक जी जी सर जो सिमेंटिक लैंग्वेज या लॉजिक से रिलेट कर, जो लैंग्वेज या अच्छा ठीक है। अच्छा मैं लॉजिक आप से रिलेट कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चलो, जो लिंग्विस्टिक होती है दैट्स एक्चुअली द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लेकिन जो सिमेंटिक है दिस इज द स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आइदर वर्बली और नॉन वर्बली, आप कुछ ईमेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह से आपने वर्ड्स को यूज करना है, यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो वर्ड्स ही होते हैं अप्रोप्रिएट वर्ड्स जिनको आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड है आस्क, तो इससे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं जो इसकी जगह पे यूज किए जा सकते हैं। तो ये भी एक स्किल होती है कि आप अप्रोप्रिएट किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में
कैसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते हैं जो कि एक्चुअल उस ट्रू मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर सकें जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये क्लियर है अभी पॉइंट सबको? यस सर, जी, बाकी स्टूडेंट्स में से उसामा, यस सर, क्लियर है। वैसे एनी वे हम नेक्स्ट इसके चलते हैं, आई गेस समझ आ गई। अगर मेन टाइम अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आपने क्या करना है, जस्ट रेज योर हैंड्स, तो मैं फिर आपको मौका दूंगा आपको क्वेश्चन पूछने का। सेम टाइम मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दौरान अपना माइक म्यूटेड पे रखें। स्क्रीन आपका माइक अनम्यूट है तो प्लीज इसको म्यूट कर लें, वरना ये नॉइस आती रहेगी। अच्छा, इसके बाद कम्युनिकेशन थी जिसमें उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो अगर सिंपल हम डेफिनेशन देखें, द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज द इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन। लेकिन ये कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, तो ये मेरे ख्याल में हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी, जिसमें उन्होंने तमाम आस्पेक्ट जो कम्युनिकेशन के होते हैं तमाम एलिमेंट्स का जिक्र किया है। इट्स इंक्लूड टॉक, योर जेस्चर्स, योर राइटिंग, योर स्पीकिंग एंड सो ऑन। और इसके बाद लास्ट अगर पॉइंट इसमें देखें तो इसमें बॉडी, इवन द बॉडली मूवमेंट, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाई डू वी नीड टू कम्युनिकेट। में हमने डिस्कस किया था टू इनिशिएट सम एक्शंस, टू इंपार्ट सम इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड्स, beliefs or the feelings. And next one is to establish knowledge or maintain links or the relations with other people. So ye teen points hai, that's why we need to communicate. Agar isme koi problem hai to aap you can raise your hand. Iske baad ye first point isko hum further discuss karte hain, initiating actions. To ye humne discuss kar liya tha ki nahi kiya tha? मेरे ख्याल में हमने कुछ डिस्कस किया था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते हैं और बाकी लोगों के लिए जो नहीं थे तो एक के लिए रिपीटेशन भी हो जाएगी। तो फर्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जी सर, आप बताएं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भी ये गेस्ट में आए, इनका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ऐसे आप लॉग इन नहीं हो सकते, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आप ऐसा करें, दोबारा से इसको मीटिंग को लीव करें और आपका जो एक्चुअल नेम है उसके ज़रिए ही आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। सर, मेरा इशू देखें, अगर आप इवन के आप गेस्ट लॉगिन से अगर कोई इशू भी है तो स्टिल आप अपने नेम के साथ शो हों, आपकी आइडेंटिटी शो होनी चाहिए कि आप कौन हैं, ताकि मुझे पता चल जाए वाकई में आप इस क्लास में एनरोल हैं या नहीं। तो कि एट विच सिचुएशन यू एक्चुअली नीड टू एक्सप्रेस योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, इसके हवाले से बताएं आप। जी मारूफ। यस सर, हमें अपने मतलब हमें कोई चीज अगर चाहिए है तो हम उसकी अपनी नीड को किसी भी कस्टमर, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, अगर एग्जांपल हम लेते हैं, हमें कोई चीज चाहिए, जब तक हम कस्टमर को बताएंगे नहीं कि हमें ये चीज चाहिए, तब तक कस्टमर अगर अपने जो सेलर है उसको नहीं बताएगा कि हमें ये मुझे ये चीज चाहिए, तब तक जो है सेलर को नहीं पता होगा कि कस्टमर को की नीड क्या है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी नीड्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज करना है तो आप क्या करेंगे, पहले दो तीन शॉप्स विजिट करेंगे, उनको बताएंगे कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको इतनी ये चीज़ें चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आपको एक कोटेशन बना के दे देता है, आपको डिफरेंट ब्रांड्स के जो लैपटॉप है उनके बारे में बता देगा, तो जब ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाए तो फिर आपको डिसीजन ले सके कि आपने कौन सा परचेज करना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ इनिशिएटिंग एक्शन, जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट।
देन इट्स पर्सुएडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पर्सुएड करना क्या होता है, जिसमें आप रीजनिंग के जरिए किसी नेक्स्ट पर्सन को आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग पे बात करें तो अगर वहाँ पे आप सेल्स टीम का हिस्सा हैं, आपने कोई चीज़ सेल करनी है, आपने अपने तो उसमें क्या करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को पर्सुएड करते हैं, अपने कस्टमर्स को तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं रीजनिंग के जरिए, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को परचेज करें। अच्छा एक और बात, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट का कोई इशू हो तो उसने ऐसा करना है कि अपने सीआर को बता दें या डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर दें, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है और वो किसी और लॉगिन पे इस क्लास में एंटर होना चाह रहे हैं। और आई गेस इवन कि अगर आप किसी भी और लॉगिन से भी इन हो तो एटलीस्ट आप अपने किसी भी ईमेल एड्रेस में अपना नाम, एटलीस्ट वो नाम और वो कंप्लीट लिखें, अदरवाइज आपको आप लॉगिन नहीं होते। अच्छा नेक्स्ट, ये इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन इसके फोर पर्पसेस हैं, ये भी हमने मेटर में डिस्कस कर लिए थे, तो क्विकली हम इसको रिवाइज करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक पर्पस इज टू क्रिएट अवेयरनेस, इट कुड बी क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, इट कुड बी टू पर्सुएड अदर्स और पर्सुएडिंग अदर्स, एंड फाइनली इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। सो देयर कुड बी फोर पर्पसेस ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन। Establishing relations, what it means, what kind of relationship you need to establish while working in an organization or when you are running a business. जी असद। जी सर। ये आपको स्लाइड नजर आ रही है? आ रही है सर। हाँ तो हम कम्युनिकेशन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट है एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस। जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन एज अ एम्प्लॉय वी नीड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है अभी। हाँ हाँ, अब बताए ना, ये मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आई है? नहीं सर अभी आप बताए, आवाज नहीं आई थी पहले। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो establishing relations है, तो एक organization में जब अगर आप employ होते हैं तो वहाँ पे जी सर किस टाइप के relations को establish करना होता है, या अगर आप सर हमारे जो हमारे दूसरे कुलीग्स होंगे उनके साथ बेहतर होने चाहिए, या हमारे जो कस्टमर होगा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कोई चीज जो बना रही है, हमारे हमारे कस्टमर के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ताकि अगर हमने उनको एक दफा कोई चीज सेल की है तो वो दोबारा भी आए। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट वन। सर अगर हमारा जितना अच्छा रिलेशनशिप, अगर कस्टमर और सेलर का जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, फ्रेंकली अगर वो मतलब उन्हें सेलर जो है कस्टमर को अच्छे तरीके से गाइडलाइन देगा या उसके उनका अच्छा रिलेशनशिप होगा, तो वो अच्छे तरीके से जो है कस्टमर को कन्विंस कर सकेंगे कि वो प्रोडक्ट को बाय कर सकें। बिल्कुल ठीक है, और जब हम रिलेशंस का जिक्र करते हैं तो ये वन टाइम ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट, आपने देखा होगा ब्रांड, इनकी ये प्रैक्टिस है, वो आपसे आपके ईमेल एड्रेस या आपके आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो ले लेते हैं। तो क्या करते हैं वो, नेक्स्ट कोई भी ऑफर आती हैं तो वो आपको वहाँ पे ईमेल के जरिए कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो उस कम्युनिकेट करने उसका बेसिक पर्पस भी यही होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए उनके पास आपकी डिटेल्स आ जाती हैं और लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बेसिक पर्पस उसके बैकएंड पे यही होता है कि एक दफ़ा कस्टमर्स को जस्ट प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि आपने उनकी कोशिश यही होती है कि नेक्स्ट टाइम भी वो कस्टमर्स को इस तरह से ट्रीट करें कि कस्टमर दोबारा भी उसके पास आए। तो समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि उनसे समटाइम फीडबैक भी ले लेती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो उसके
बैक साइड पे टोल फ्री नंबर लिखा होता है कि आप इस पे कॉल करके अपना जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो आपका वो है जो फीडबैक है वो आप रिकॉर्ड करवा सकें। उसका पर्पस भी यही होता है, एक तो उनको फीडबैक मिल जाता है, अगर कोई प्रोडक्ट में डेफिशिएंसीज हैं तो वो उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा फिर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ऐसे कंटेंट्स को आप सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो क्या करते हैं, वो आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे ईद आ रही है तो वो ईद पे आपको ईद मुबारक का मैसेज उस कंपनी की तरफ से आ जाता है, आपको कोई मैसेज मोबाइल पे इस तरह से रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं। और जहाँ ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है जिनके क्लाइंट्स होते हैं कि वो आगे बिजनेसेस को अपने बिजनेसेस को वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके जो वो बिजनेस डीलिंग है वो लॉन्ग टर्म में चलनी होती है, तो वहाँ पे फिर वो अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश होना वो उस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा एनीवे, तो ये तो था एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस। इसके अलावा भी और भी सिनेरियोस हो सकते हैं कि जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को मेंटेन करती है, लेकिन सिर्फ कस्टमर्स नहीं है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं तो आपके अपने कोलीग्स के साथ ट्रीटमेंट हो सकता है, उनके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, या हायर मैनेजमेंट का लोअर मैनेजमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन है वो एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप आ जाता है। तो लेकिन एक बात जो यहाँ पे हाईलाइट करने का पर्पज़ है वो यही है कि विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वन कांट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप इन व्हाटएवर कॉन्टेक्स्ट यू इमेजिन, वेदर इट्स योर ओन बिजनेस, वेदर यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप one need to have effective communication. Acha ji, next is importance. Okay, what is the importance of communication? Actually, in fact, communicating effectively in speaking and writing is useful in all areas of business. So aisa nahi hai ki kisi specific mein, jaise hum jitne bhi examples humne discuss kiye hain to zyada tar students ne bhi jo example share kiye hain wo marketing ke hawale se kiye hain, to aisa nahi hai ki jo just sales ke log hote hain unko communication achhi zarurat hoti hai, balki it is equally important, or you can say it is important in and useful in all areas of business. That include management, technical, clerical, and social positions. Even के जो technical लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग engineering करते हैं उसके बाद वो organizations को join करते हैं, तो वहाँ पर भी एक time के बाद उनको different managerial roles भी दे दिए जाते हैं। तो उन्होंने क्या होता है कि technical staff की पूरी team को lead करना होता है, तो वहाँ पर definitely उनको एक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, अगर उनके पास कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है तो वो बेहतर तौर पर वो टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, ना सिर्फ मैनेजरियल पोजीशन के लिए बल्कि जो जनरल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको भी अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए, या उनको कोई रिसोर्स की ज़रूरत होती है उनको हाईलाइट करने के लिए, वो सारी बातें अगर हायर मैनेजमेंट तक पहुँचानी है तो वो भी बाकायदा वो जब तक उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो उस बात को इफेक्टिवली नहीं पहुँचा पाएंगे। और जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं इट्स एक्चुअली ऑलवेज गिवन एडवांटेज टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट हू हैव गुड कम्युनिकेशन ओवर द अदर्स। तो ये जॉब हायरिंग की बात कर लें, इवन के हायरिंग के बाद वही लोग ज़्यादा प्रमोट होते हैं
ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं के ज्यादा प्रमोशन होती है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा अच्छी होती है। आपने खुद भी अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व किया होगा, वो लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा अच्छी होती हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल में ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये तो था सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन हैज अ रिच हिस्ट्री। रिच हिस्ट्री कैसे, लाइक ये कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बल्कि अगर हम एंसेंट टाइम में ग्रीस में जो एंसेंट ग्रीस के रोमन एम्पायर थी तो उस वक्त भी अगर आप उससे रेलिवेंट हिस्ट्री पढ़ें तो जो जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती थी तो उनको ज़्यादा नवाजा जाता था। और अभी भी हमें काफ़ी लिटरेचर ऐसा है जो कि कम्युनिकेशन से रेलिवेंट, वो उसकी जो बेसिक्स हैं वो हमें बिल्कुल उसी दौर से मिलती हैं। उस दौर में जो बेसिक जो टिप्स उस वक्त बनाई गई थी उन्हीं को आज तक फॉलो किया जाता है। जैसे ये लास्ट पॉइंट को देखें तो इसमें उन्होंने यही कवर किया है कि सो वी कैन से दैट सम ऑफ टुडेज प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग आर अ मिक्सचर ऑफ एंसेंट ओरल एंड रिटल ट्रेडिशंस। तो यही बात हमने डिस्कस की है कि काफ़ी लिटरेचर आपको ऐसा मिलता है कि जिसमें वही प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं जो कि एंसेंट टाइम में यूज होते थे। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एक्चुअली द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर कैरियर। जी सकीना ने हाथ खड़ा किया है। जी सकीना ये ओरल कम्युनिकेशन इसका क्या मतलब है, मतलब एंशिएंट वर्ल्ड डिपेंड ऑन ओरल कम्युनिकेशन, इसकी कोई एग्जांपल? मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कम्युनिकेशन कई किस्म की हो सकती है ना। एक तो ओरल कम्युनिकेशन वो होती है जो हम वर्ड्स के जरिए मीन स्पीकिंग, तो ये ओरल कम्युनिकेशन होती है। जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें आपकी ईमेल्स आ जाती हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके लेटर लिख रहे हैं वो उसमें आ जाएगा, आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि टुडेज प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग, जो कि आजकल प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं राइटिंग में, तो वो क्या है, दे आर एक्चुअली द कमिंग फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एंसेंट ओरल एंड रिटन ट्रेडिशन। कि जो एंसेंट टाइम में पुराने वक्तों में जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे या ट्रेडिशन यूज की जाती थी उन्हीं को बेस बना के आजकल जो प्रिंसिपल्स हैं राइटिंग के वो बनाए गए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? स्क्रीन आप बताए। yes. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको फर्दर मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। अच्छा आगे हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन कैरियर। तो मेरे ख्याल में आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कैरियर में आप एम्प्लॉय हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आपके लिए ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। देखें एक तो जब प्रमोशन का टाइम आता है, अगर ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे जो मैनेजर काम कर रहा था वो रिटायर हो रहा है वो या कहीं और जा रहा है, तो जो हायर मैनेजमेंट है वो उसी बंदे को मैनेजरियल पोजीशन के लिए प्रेफरेंस देती है जिसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर होती है।
both written and oral communication. Why? Definitely, वो बंदा जिसकी मैनेजरियल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे एक टीम को कमांड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे वो सारी इंफॉर्मेशन जो उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करना होती है वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर टीम को लीड कर सकेगा। तो ये तो वो एस्पेक्ट है प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा सम टाइम आपने को फीडबैक देना होता है, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके जहन में कुछ अच्छे आइडियाज़ आते हैं जो कि आप हायर मैनेजमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकती है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप वो इफेक्टिवली अपने आइडियाज़ को डिफरेंट फोरम्स पर प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, अपने हायर मैनेजमेंट तक नहीं पहुँचा सकेंगे, तो उसका फिर क्या प्रॉब्लम आएगा कि सेल्फ जो आपका मीन्स आइडियाज जब तक आपके हायर मैनेजमेंट तक नहीं पहुँचेंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो वो आइडियाज आपके माइंड में रह जाएंगे। तो अगर आइडियाज को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। तो ये तो कुछ बातें होंगी अगर आप एक जॉब में किसी जगह पे मुलाजमत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इससे पहले वाली स्टेज देख लें कि जिसमें रिक्रूटमेंट की जाती है, उस स्टेज पे बात करें तो वो भी आपने बल्कि अक्सर आपने जो जॉब एडवर्टाइजमेंट है वो आपने देखी होगी कि किसी भी लेवल की जॉब जब एडवर्टाइज की जाती है तो उसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट की जाती है वो कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डिमांड की जाती है। और कुछ प्रोफेशन तो ऐसे हैं कि जिसमें अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो डेफिनेटली वो कभी भी आपको हायर नहीं करते। पर इवन कि अगर आपकी जॉब ऐसी नेचर की नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, लाइक जैसे सेल्स के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है कस्टमर के जरिए, अगर आपकी जॉब ऐसी नहीं है, आपकी कोई क्लरिकल जॉब है या कोई प्योर टेक्निकल जॉब है, तो उसमें भी वो किसी हद तक प्रेफरेंस देते हैं। अगर दो कैंडिडेट्स हैं, बाकी उनका एक्सपीरियंस और बाकी क्वालिफिकेशन उनकी सेम है, तो डेफिनेटली वो उसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा करते हैं। तो ये तो ये पॉइंट्स थे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ करियर ऑफ अ कैंडिडेट। तो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिस्टेड बाय द कंपनीज एडवर्टाइजिंग कंपनीज एडवर्टाइजिंग पोजिशंस। कम्युनिकेशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनी कैरियर्स सच एज कस्टमर रिलेशंस, labor relations, marketing personnel, public relations, sales and teaching. तो यहाँ पे इन्होंने certain professions highlight किए हैं कि जहाँ पे communication skills बहुत ज़्यादा matter करती हैं, और जो main उनकी जो job description है वो भी communication के गिर्द revolve करती है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा communicate करना पड़ता है। तो आप में से वो लोग जो कि इन प्रोफेशंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो इन स्किल्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया होगा, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपकी आवाज सर बहुत ज़्यादा कट रही है, मुझे समझ नहीं लग रही, मैंने इसलिए हैंड रेस किया था माइकल सर को, शायद मेट्रो से मसला सर। अच्छा उसामा, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग दिस। तो इसमें कई रीजन हो सकती हैं, या फिर सम टाइम ये हो सकता है कि मेरी तरफ से मेरा जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो तो उसकी वजह से आवाज़ ना जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके एंड से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तब भी आपको आवाज़ नहीं जाएगी।
तो आपने इससे परेशान नहीं होना, बल्कि ऐसा करना है कि उसका वेट करें, अगर कंटिन्यूस रहती है फिर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा टाइम वेट करें अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर एक्चुअली मैंने जब का ज्वाइन किया मुझे आपकी आधी चीज समझ लगती है बात और आधी सर वो कट जाती है बात। मुझे भी आपकी आवाज कट के आ रही है जी, साथ आप बताएं। सर मुझे तो आपकी आवाज़ ठीक आ रही है सर, लेकिन मैं हूँ इस टाइम गाँव में तो उधर नेट का बड़ा प्रॉब्लम है सर, अभी आधे घंटे बाद जाके नेट कनेक्ट हुआ है तो मैं अभी क्लास में आया, लेकिन आपकी आवाज़ से ठीक आ रही है। हाँ तो मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल आपके इंटरनेट का इशू भी हो सकता है और मेरे ख्याल में उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये हो सकता है कि स्लाइड्स फॉर एग्जाम्पल जो हम कवर कर रहे हैं इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट क्लास में जैसे हम आएंगे तो तब भी आप वो पॉइंट मुझे हाईलाइट कर सकते हैं, तो उन पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। और दूसरा ये कि ये सारी रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल होंगी तो वो रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं, तो जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं जो कल वाली है वो भी मैं अपलोड कर दूँ और आज वाली भी ये रिमेनिंग अपलोड हो जाएंगे। ठीक है अच्छा, ये अभी हमारा क्लास का भी ये टाइम एंड होने वाला है, तो जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट होगी आपने ऐसा करना है कि दोबारा से सेम लिंक को यूज़ करते हुए आपने लॉग इन होना है, और एक बात आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करनी है। ठीक है, इसमें मैंने अपनी जो सेटिंग है उसमें ऑप्शन दिया है स्टूडेंट को कि वो खुद से अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा ये जो स्लाइड आपके सामने गिवन है मैं रिपीट कर देता हूँ, ये प्रीवियस स्लाइड्स पे जाके दोबारा से, तो ये हम एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन कैरियर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यही इसका कंटिन्यू है जिसमें आगे थ्री मोर पॉइंट्स हैं जिसको हम इस स्लाइड में कवर कर रहे हैं। अच्छा प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बात कम्प्लीट कर लें तो अपना माइक प्लीज म्यूट कर रखें। अच्छा ये एक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हुई है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है आप लोगों ने एचआर में मेरे ख्याल में पढ़ा होगा, एचआर में या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, व्हाट मींस बाय जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, क्योंकि जब भी हम जॉब डिजाइन की बात करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होती है जी। असद आप बताना चाहेंगे? सर जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि वो बताते हैं कि हमें इतनी क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए, उसमें ये मतलब उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो ये और स्पेसिफिकेशन यही होती है। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा ग्रेड करना करता चलूं, एक्चुअली आपकी बुक में आई गेस ये थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ, जो एक्चुअल में जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो जॉब के अवसर एलिमेंट होती है जिसमें वो सारे टास्क वो एक्टिविटीज के बारे में बताया होता है कि आपको जॉब पे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना हो, और जो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है वो मिनिमम एजुकेशन या एक्सपीरियंस होता है जो कैंडिडेट से रिक्वायर किया जाता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये सर्टेन पॉइंट पहले पॉइंट में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो एक तो वो सर्टेन कैरियर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, शायद सबको म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कम्युनिकेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंटल एंड इन द गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ मेजर रोल एट एवरी लेवल। तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर या जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पर जरूरत होती है, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे भी तमाम मैनेजमेंट फंक्शंस
वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो तरह से भी वहाँ पे इक्वली वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और जहाँ तक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बात है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं? Who are called non-profit organizations? अच्छा, मेरी तरफ आवाज हो रही है तो हम थोड़ा सा वो उसको मैं कुछ ब्रेक ले लेते हैं। और इसी पॉइंट को मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और दोबारा से जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो इसी पॉइंट को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है।